नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आइए चलते हैं दुनिया की सैर करने। जी हाँ, थोड़ा देखना चाहिए कि पूरी दुनिया किस तरह से भारत को देख रही है, भारत में होने वाली घटनाओं को देख रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और ऐसा करना इस समय इसलिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकारें हर चीज में अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को देख रहे हैं, और खास तौर से जो छोटी छोटी घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज के तार जोड़कर देखे जा रहे हैं। सही समझा आपने, हम पहुंचे हैं हाथरस। लेकिन इस बार हाथरस के बारे में बात हम करेंगे लंदन के नजरिए से। हाथरस के बारे में हम बात करेंगे कि अमरीका में बैठे जो भारतीय हैं वे कैसे देख रहे हैं हाथरस को, और किस तरह से और क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं वे अपने अपने मुल्कों में। आइए सबसे पहले चलते हैं लंदन। लंदन में बहुत खास चीज हुई। पहली बार वहां पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने बाकी संस्थाओं के साथ जुड़कर विरोध प्रदर्शन करने की ठानी, और इसके लिए बकायदा उन्होंने पुलिस परमिशन भी ली, लिखित में परमिशन ली। सारे लोग तैयारी कर रहे थे और आखिरी क्षण में वह परमिशन कैंसिल हो गई। इस बारे में हमने बातचीत की दलजीत गिल जी से। दलजीत गिल जी लंदन में रहते हैं और वह नेशनल वाल्मीकि सभा NRI UK चलाते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में गहरा आक्रोश है, और शायद पहली बार समुदाय की किसी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी पर यह समुदाय सड़क पर आने की इसने ठानी, बकायदा पुलिस परमिशन ली गई। दलजीत जी ने हमें यह भी बताया कि जो पूरा का पूरा समाज है वह अकेला वहां नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ तमाम संगठन साथ आए। और इससे एक बात और उन्हें सामने समझ में आई कि यह जो जातिगत उत्पीड़न का मामला है इस पर भारत सरकार और खास तौर से योगी सरकार का जो पूरा रवैया है वह कास्टिस्ट है। उन्होंने फोन पे हमें बताया कि किस तरह से समाज के नौजवानों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है, और जब वे पुलिस परमिशन लेने गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि भारत में तमाम सरकारों को यह बात पता चले कि दुनिया भर में जो भारतीय बैठे हुए हैं वे बहुत लगाव रखते हैं अपनी जमीन से, जमीन के मुद्दों से, समाज के सवालों से वे चिंतित होते हैं। यह प्रदर्शन तो नहीं होने दिया गया, लेकिन तमाम संगठन जिसमें 30 नारीवादी संगठन हैं और बाकी दलित संगठन हैं, डायस्पोरा है, तमाम लोग साथ आए और उन्होंने UN के नाम एक खुला पत्र लिखा। यह पत्र पढ़ा जाना चाहिए, बहुत ही अहम पत्र है, इसके बारे में चर्चा होना बेहद जरूरी है भारत की धरती पर। इस पत्र को लिखकर उन्होंने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पर चर्चा करे कि वह योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि वह सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी मांग इस पत्र में की गई कि जिस तरह से जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है, एक इंटरनेशनल कमेटी इस पूरे के पूरे घटना की जांच करने के लिए बैठाई जानी चाहिए। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले तमाम संस्थाओं के साथ साथ कई MPs हैं, कई सांसद हैं, जिनके नाम आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो प्रमुख लोग हैं, जॉन डानल, उपासना बेगम, किम जॉनसन, बेल रिबेरो एडी, जारा सुल्ताना, पॉला बार्कर, तमाम लोग UN ह्यूमन राइट्स कमीशन से यह अपील करने गए। और जैसा कि तमाम लोगों से जो बातचीत हमारी हुई है, इन्होंने कहा कि यह एक टेस्ट केस है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमने बातचीत की अमृत विल्सन से, जो लंदन में रहती हैं और लंबे समय से साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं अमृत
किस तरह से इस पूरे के पूरे प्रकरण को वह देख रही हैं। हाथरस के इस जो एट्रोसिटी हुई है, यहाँ पे जो ब्रिटिश वाल्मीकि समाज है, उन्होंने इनिशिएटिव ली थी कि एक प्रोटेस्ट होगी, और हम सारे हम साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप और काफी और ऑर्गेनाइजेशंस उनको सपोर्ट कर रहे थे। हम सारे वहां पे जाने का था। फिर लास्ट मिनट में इन्होंने रिटन परमिशन ली थी पुलिस से, लास्ट मिनट में पुलिस ये बैन कर दिया है, और हमें लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की प्रेशर इसलिए बैन किया। लेकिन फिर भी और भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं फ्यूचर में। तो इसके बाद हम लोगों ने एक लेटर लिखी साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप और कास्ट वॉच यूके, जो एक बहुत बड़ी दलित ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। हम लोगों ने ये इनिशिएट किया, और फिर बाकी बहुत लोगों ने साइन किया, एंडोर्स किया। कोई 30 से ऊपर फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और सारे जो बड़े बड़े दलित ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने ये एंडोर्स की थी। और वो हमने यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैशले को वो भेजा है, और दो दो डिमांड्स थे। पहले कि प्लीज पुट प्रेशर ऑन द मोदी गवर्नमेंट टू डिसमिस योगी आदित्यनाथ, और दूसरी जो थी कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए इंटरनेशनली कि क्या हुआ हाथरस में। हमें ऐसा लगता है कि इसमें दो इश्यूज थे। पहले तो कि एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर ऐसा हुआ, और दूसरी इशू थे कि दलित लोगों के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, और ये हम सब देख रहे हैं यहाँ से, हमें सब ये पता है। तो ये बिल्कुल बहुत माने इंटॉलरेबल हो गया था। हम यहाँ पे इतना दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और जो दल जो वाल्मीकि समाज के लोग, उनके लिए ये और भी पेनफुल है। जब ही कोई प्रोटेस्ट करे, मोदी सरकार के विरोध करे, या अभी तो यूपी में जो हुआ वो भी, कोई भी प्रोटेस्ट हो, तो वो क्या कॉन्स्पिरेसी है? ये कैसा हो सकता है? सब लोग जानते हैं कि क्यों ये हो रहा है। जो विदेश में जो लोग हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हम पेरिस में, हमें सबको पता है कि ये बिल्कुल फेक है। ये सिंपली कोई एक्टिविस्ट को वो जेल में डालना चाहते हैं इसलिए, और अभी बाहर से भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, वो हमने देखा है वो जो पेपर उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उसमें तो ब्लैक लाइव्स मैटर से कुछ उठाया है, वो भी कैसा उठाया है, उसमें लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से दूर रहो। क्या, कैसी बात है? तो हाथरस में भी न्यूयॉर्क के पुलिस लोग पहुंच गए थे क्या? शायद योगी जी उनको लाए हैं, ट्रंप से कुछ हेल्प लेकर वहां पे ले गए थे होंगे। कहीं कहीं से भी सब कुछ उठा के उन्होंने एक अपना और क्या। हाँ, ये बिल्कुल अभी तो दुख की बात है कि इंडिया को एक बिल्कुल लाफिंग स्टॉक बना दिया है इंटरनेशनली, और लज्जा की बात है, बहुत ही लज्जा की बात है। यहाँ पर हम खास तौर पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत विस्तार में चर्चा कर रहे हैं कि लंदन में क्या हुआ, क्योंकि लंदन में जो दलित अधिकार समूह हैं, ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, वे लंबे समय से सक्रिय हैं और कास्ट ऑपरेशन पर लगातार बात करते रहे हैं। हमने बात की मीना वर्मा से, जो IDSN इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क यूके की सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि यह केस इसलिए अलग से केस है क्योंकि यहां पर खुलेआम जो बुनियादी मानवाधिकार होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, और शायद उन्होंने बहुत अहम बात यह भी कही कि यह उसी तरह का एक टर्निंग पॉइंट भारतीय राजनीति में हो सकता है जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी। आइए सुनते हैं मीना को। You know, a lot of our members in India have been organizing protests and events to highlight this issue, but in many ways for the Dalit women fight issue,
this is a George Floyd moment. You know, this is the one time that really a case which has involved the rape and murder of a Dalit woman has been receiving international attention. And this is the one thing that we want to make sure continues. But for me, I also feel that, you know, while the outrage that is being expressed is absolutely valid, you know, what is the action we can take? What is the action that is going to be taken to address this ongoing violence? I mean, the Hathras case is just one of many, many, many thousands of Dalit women who are attacked every single day. And I think, you know, and this is across India and across Nepal as well. You know, recently a case came across our desk, which was specifically a Nepalese case of a young Nepalese Dalit girl of 12 years old who had been raped and murdered. So what, you know, we need to address the systemic and structural violence and rape and murder of Dalit women, which often goes, you know, unpunished and unacknowledged and unaddressed. London ke saath saath baaki jagahon par bhi, jahan par bhi Dalit diaspora hai, human rights activists hain, ve sare log bahut bariki se dekh rahe hain ki Bharat mein kya ghatit ho raha hai. Aur America mein bhi yahi haal hai. अमेरिका में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हाथरस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए, कैंडल लाइट विजिल हुआ, उससे पता चलता है कि यहां पर रहने वाले भारतीयों में एनआरआईज में गहरा आक्रोश, दुख तो है ही, चिंता भी है, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि ऐसा करके एक बड़ी नजीर सरकारें बनाना चाहती हैं, जहां आगे भविष्य में जब दलित महिला के साथ उत्पीड़न हो तो न्याय की गुंजाइश बिल्कुल ही खत्म हो जाए. हमने बात की अंबेडकर इंटरनेशनल के मिलन से. अंबेडकर इंटरनेशनल ने चार शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किए, मांग की. आइए सुनते हैं मिलन क्या कह रहे हैं. यहाँ पे अमेरिका में चार जगहों पे इस पिछले इतवार को प्रदर्शन हुए. न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे एक जगह हुआ, यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने न्यूयॉर्क में वहां पे दूसरा प्रदर्शन हुआ, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल के सामने हुआ, और तीसरा चौथा डेट्रॉइट मिशिगन में हुआ. इस तरह चार निदर्शन हो गए एक ही जगह, एक ही वक्त पे, एक ही संडे को. यही चीज है इस केस में परेशानी की, कि जहाँ पे अक्यूज्ड को कम से कम आज तक हिस्ट्री में ये तो देखा गया है कि जब इस तरह की केस सामने आते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक केस सामने आती है, ये तो जो सामने आती है उसी को पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन उसमें न्याय दंड मिलता था, चाहे वो पूरी तरह नहीं मिलता हो, लेकिन एक एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट था न्यायालय में. लेकिन यहाँ पे तो न्यायालय में जाने के पहले ही पुलिस और प्रशासन की ये कोशिश है कि ये घटना हुई नहीं, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की, जिस तरह से वीडियोस मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में, उससे एक पता चलता है कि एक कोशिश की जा रही है कि जो अक्यूज्ड है उनको इनोसेंट बता दिया जाए और इस केस को दबा दिया जाए. अभी हमेश परेशानी इस बात की, अगर ये नॉर्मलाइज हो जाए इस तरह की केस, तो फिर एक नया निचांक आ जाएगा ये दलित शोषण में, क्योंकि हमें आज तक कम से कम कोर्ट में जाने की तो ये थी, द जुडिशियल सिस्टम वाज ओपन टू अस, वेदर वी गॉट द जस्टिस देयर और नॉट, और टू व्हाट एक्सटेंट वी गॉट द जस्टिस, बट नाउ इट सीम्स दैट इवन दैट राउट इज बीइंग क्लोज टू अस. तो आगे चल के अगर ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो बहुत परेशानी की बात है. जातिवाद में जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनकी कोशिश है कि वो प्रिविलेजेस बरकरार रहे, और अभी जो शेड्यूल कास्ट या जो निचले वर्ग के लोग हैं वो अभी थोड़ी बहुत प्रगति कर रहे थे, थोड़ी बहुत उन्नति कर रहे थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार जो उन्हें प्राप्त थे. तो एक ऐसी आशंका आती है कि ये देखा नहीं जा रहा है उनसे कि ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और जो आगे बढ़ गए मान लो हमारे जैसे, अभी वो उनको तो कुछ हर्ट कर नहीं सकते, या उनको तो ये जो
गांव में बचे हुए थोड़े बहुत घर होते हैं, बिल्कुल उनके बीच टोनी पे उनका गुस्सा निकल जाता है। तो लगता है कहीं तो इसका ये भी है कि इन्हें ये जो हम आगे निकल रहे हैं, हमारे मानवाधिकार हम प्रस्तावित करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो उससे उन्हें परेशानी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार वो वैसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मैं कास्ट सिस्टम पे एक बात कहूंगा कि देश को कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए, किसी आइडियोलॉजी से नहीं। और जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन और आइडियोलॉजी का टकराव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल, नॉट द आइडियोलॉजी। एंड सो फार दैट हैज बीन हैपनिंग टू सम एक्सटेंट, नॉट एट ऑल, देयर वाज अ लॉट टू बी डिजायर्ड इन दैट आल्सो। लेकिन अभी ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिवेलेंस था इस टकराव में, उसे भी पीछे लेने की कोशिश। इसके बाद हम पहुंचे बोस्टन, जहां है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर है बोस्टन स्टडी ग्रुप। बोस्टन स्टडी ग्रुप ने कैंडल लाइट विजिल किया, और आप देखेंगे जो फोटोज और वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, उससे पता चलता है जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, जिस तरह से सवाल लोग उठा रहे हैं, उनका सीधा सीधा एक ही सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि जब इस तरह का जघन्य कांड एक दलित लड़की के साथ होता है, तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा पॉलिटिकल पावर दबंग जातियों को बचाने में लग जाता है। क्यों आखिर हाथरस की लड़की के पक्ष में लोग नहीं खड़े हुए हैं? जहां पर हम बात कर रहे हैं लोग, निश्चित तौर पे यहां पर जिक्र उनका है जो सत्ता में है। इस बारे में हमने बातचीत की बोस्टन स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए वेंकट से। बोस्टन स्टडी ग्रुप की तरफ से एक कैंडल लाइट विजिल किया है ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है, उसके दिन हम करना पड़ा। ये देश का परिस्थिति कहाँ आया देख सकते हैं आप। सो ये हार्वर्ड स्क्वायर में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेमस इंटेलेक्चुअल प्लेस, वहाँ पे हम कैंडल लाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद द विक्टिम एंड देयर फैमिली, एंड ऑल्सो यू नो सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट no civilized society can tolerate this type of brutality. So iska ek strong sandesh dene ke liye hum sab ikattha kiya. To Boston mein bahut kab kam 40-50 log bahut hi short notice mein aaye ki candlelight vigil to express our solidarity with the victim and their family. So that's what we did. I mean, we also trying to petition, send to UN and other places just to make sure they are, these type of things are dealt sternly and will not repeat again anywhere in India. As a responsible citizens, as a responsible people, concerned about deepening of Indian democracy and all that, we really condemn this type of act. ये जैसा act को हम condemn करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये constitution है, law है, उसको अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये आम आदमी लोगों की security रहे, उसका confidence रहे Indian institutions में। So that is what we want to hope that all the governments take it seriously. लेकिन विरोध और प्रदर्शन और जिस तरह से petitions हैं वो तो जारी रहेंगे। USA में तो हर एक बड़ा बड़ा cities में, like New York में Times Square में अपना एक अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन वाले ऑर्गेनाइज किया, और डिट्रॉइट में अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके है, और ऐसा जगह जगह में, यूके में भी अपना अंबेडकर वादियों ने बहुत लोग प्रोटेस्ट कैंडलाइट विजिल्स ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहा है। So that the government can take notice of this and act in a very responsible manner. That is what our intention is. You have to implement the constitution, law and order, and take care of the weakest of our Indian society. The law should, any country
it's the more the weaker sections feel secure, that is the best democracy. And right now, they're threatened, their security. विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ तमाम संगठन, खास तौर से अंबेडकरवादी दलित संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा खटखटा रहे हैं. इसी के तहत अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन ने एक पिटीशन दी है, ओपन लेटर दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ को, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएसए, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर वॉशिंगटन, अंबेडकराइट बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ टेक्सास, अंबेडकर किंग सर्कल, स्टडी सर्कल सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन स्टडी ग्रुप, अंबेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग सोसाइटी कनाडा, गुरु रविदास सोसाइटी कनाडा, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन कनाडा टोरंटो. तमाम संगठनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि यूएन लेवल कमेटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ दलित राइट्स की का गठन तुरंत हो, और इसमें साथ ही साथ कहा है कि भारत सरकार का जितना भी कोई भी प्रेशर हो, जिस तरह से जो दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से जो गैर दलित जातियां हैं, जो दबंग जातियां हैं, वे खुलेआम संविधान का और मानवाधिकारों का हनन कर रही हैं, इसमें संयुक्त राष्ट्र को तुरंत हस्तक्षेप करना जरूरी है. इस समय मीडिया जो चरित्र हत्या पे उतारू है, वह यह स्थापित करने पे लगा हुआ है कि लड़की का चरित्र किस तरह का था. लड़की दोषियों से बात कर रही थी. मैं यहां सिर्फ रिपब्लिक टीवी ही नहीं, तमाम मीडिया के लोगों को बोलना चाहती हूं कि अगर लड़का और लड़की दोस्त भी हैं, तो भी भारत के कानून के हिसाब से लड़के को इस आधार पर लड़की के साथ बलात्कार करने का हक नहीं है. और शायद वे इतना पढ़े लिखे हैं, वे नासमझ नहीं हैं, लेकिन वे जानबूझकर, क्योंकि यहां लड़की दलित समुदाय से आती है और दलित समुदाय की लड़की का चरित्र हनन और उसके साथ बलात्कार करने का हक वे मान के चल रहे हैं कि योगी और मोदी सरकार में उनको मिला हुआ है, यहां उन्हें चेक करना बेहद जरूरी है. और शायद ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये जो आवाजें उठ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, यह हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं. यह हमें बता रहे हैं कि न्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ भारत ही में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी मानवाधिकार है, हमारे इंसान होने की गारंटी है कि हम जुल्म को जुल्म करें और नाइंसाफी करने वालों को बेनकाब करें. शुक्रिया.